Hey guys and welcome back to the Pokemon Rocket Edition। जहाँ पे जैसे पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली जो थी वो पोकेमोन की स्मगलिंग वो उसको जो है वो यहाँ पे गाइस यार डन कर दिया था। बेसिकली यार हम लोगों ने जो वो क्रेट्स थे उन्हें जो है यहाँ पे कह सकते हो कि उतार के मदद करी थी यहाँ पे प्रोटोन की, एंड उसने हमें कहा था कि मिशन यहाँ पे डन हो चुका है, वी कैन गो बैक टू द हेडक्वार्टर्स। फिर गाइस यार हम लोग जो है वो कह सकते हो कि हेडक्वार्टर्स में भी आ चुके थे, बट या उसके बाद हम लोगों ने अपने बॉस यानी कि जियोवानी के साथ बात करी एंड उन्होंने हमें एक और एक नया मिशन दे दिया, यानी कि हमें जाना है यहाँ से सीधा ऑन टू द कह सकते हो कि लैवेंडर टावर में, क्योंकि गाइस यार फूजी जो है यहाँ पर कह सकते हो कि हम लोगों का जो पोरिकॉन का सप्लाई है एंड द क्यूवॉन स्कल का जो सप्लाई है उसको जो है यहाँ पर उसने कट ऑफ कर दिया है। तो हम लोगों को जो है यहाँ पे कन्फ्रंट करना है कह सकते हो कि मिस्टर फूजी को, कि उसको सबक सिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो कह सकते हो कि सैफ्रॉन सिटी से होकर हम लोग पहुँचने वाले हैं ऑन द लैवेंडर टावर एंड द लैवेंडर टाउन। तो आज से जो है गाइस यार कह सकते हो कि जो लास्ट एपिसोड था ना हम लोगों का, दी एपिसोड नंबर 7, वो कह सकते हो कि गाइस यार लास्ट एपिसोड था जहाँ पर थोड़ी सी कह सकते हो कि वीडियो ड्यूरेशन कम आई थी, बट आज से जो है वो वीडियो ड्यूरेशन में कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं होगी। जितना मुझे कवर करना है, जितने मुझे यहाँ पर मिशंस कंप्लीट करने हैं फॉर दी कह सकते हो कि जियोवानी के लिए, उतने में यहाँ पर हर दिन एक मिशन जो है वो कंप्लीट करने की अपनी पूरी जो है वो कोशिश करने वाला हूँ। आज भी यही कोशिश होने वाली है कि हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे जो मिस्टर फूजी का हमें मिशन मिला है फ्रॉम दी टीम रॉकेट, वो हम लोग कंप्लीट कर सकें। फिलहाल ये तो यहाँ पर मैं क्विक टूर देना चाहूँगा आप लोगों को ऑफ द लैवेंडर टावर, एंड ताकि हम लोगों भी यार क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं पोकेमॉन रॉकेट एडिशन के एपिसोड को आने में। रीज़न तो मैंने यार ऑब्वियसली रीज़न जो है वो क्या था कि एपिसोड्स क्यों नहीं आने थे 2 दिन से, वो तो मैंने ऑब्वियसली मैंने जो है यहाँ पर कह दिया है ऑन दी पोकेमॉन ग्लेज वर्जन। पोकेमॉन ग्लेज की आज की सुबह की वीडियो अगर आप देख लोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों नहीं यहाँ पर वीडियो आई थी यहाँ पर 2 दिन से पोकेमॉन ग्लेज के लिए, पोकेमॉन कह सकते हो कि पोकेमॉन रॉकेट एडिशन की इस सीरीज की भी। बट अब से जो है वो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा। तो देखो गाइस यार कैसी बात है, अगर 10-15 मिनट के एपिसोड रहते थे तो रेगुलरली बेसिस पर आ सकते थे, बट 25 मिनट्स के अप अगर होता है तो मुझे भी थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है उसमें, क्योंकि गाइस यार सिर्फ 25 मिनट्स का ही नहीं होता, उसमें थोड़ी सी और मेहनत रहती है। ओ हाय ब्लू, तुम वहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या देख रहे हो, जाओ अपना माइंड करो, डेड पोकेमॉन को मुझे कहना होगा। ओ तुम तो टीम रॉकेट हो ना जो मुझे इससे पहले मिले थे। हाँ यस, और क्या हुआ, वांट मुझसे पीस चाहिए पेन? और नहीं यार, नहीं तो ये तुम्हें दे देता हूँ। मैं तुमसे जानता हूँ कि तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे नगेट ब्रीच में, यू कैन बेट ऑन इट। मैं तुम्हें अभी हरा देता हूँ, राइट हियर राइट नाउ, ब्रिंग इट। ओ क्या हुआ, इसका क्या मतलब, फिर भी मुझे अभी बैटल नहीं करनी है तुमसे इस वक्त, ओके? ये बुरा वक्त चल रहा है, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ रॉकेट? नहीं ब्रो, बिकॉज मेरे पोकेमॉन मर चुका है इसके कारण। बट कैसे? सी देयर्स अ ऑरिक आया था पैलेट टाउन से जिसके साथ मैं बड़ा हुआ था, उसका नाम है रेड, वो काफी ज्यादा अमेजिंग था बट वो थोड़ा सा लूजर भी है रियली। एनीवे हम दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बन चुके थे एट द सेम टाइम तुम अगर देखोगे तो, एंड हम लोगों ने काफी बार बैटल किया है हर वक्त, बट जस्ट पहले हम लोगों ने एक और बैटल करी थी SSN में इन द वर्मिलियन सिटी। ओके उसमें क्या हुआ था? उसने मुझे हरा दिया जैसे कि वो हर वक्त करता है अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो, बट देखो ये टाइम थोड़ा सा डिफरेंट था, रेड ने मेरे रेटिकेट को बुरी तरीके से बैटल में काफी बुरी तरीके से हरा दिया था, उसको चोट पहुंचाई थी, जब वो खून से लथपथ था तब मैं उसे बेरली छू उस पोकेबॉल में लेके पहुंच सका, सो मैं जल्द से जल्द पोकेमॉन सेंटर में पहुंचा
बट जब मैं वहां पे पहुंचा तब मुझे पता चला कि मेरा रेटिकेट बट वो मर चुका था। उसके वो कितना ज्यादा उसके खून बहने की वजह से एंड मैंने उसे गंवा दिया था। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है सब इस वक्त। और बाय द टाइम जब मैं पहुंचा नर्स ने भी मुझे कंफर्म कर दिया कि अब कोई फायदा नहीं है, रेटिकेट की डेथ हो चुकी थी। जस्ट लाइक दैट वो मर्डरर है। मैं बता दूं तो एक्सट्रीम का एक लूजर और एक मर्डरर। मुझे रेड से काफी ज्यादा नफरत है, मुझे उसके गट से नफरत है और हमेशा रहेगी। मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तुम प्रोफेसर ऑक्टो को जानते हो ना? हाँ, यस यस, वो मेरे ग्रैंडफादर हैं। बट श्योर तुमने ये सोचा नहीं होगा, वो वही है जिन्होंने मुझे लाइसेंस दिया था, मुझे और रेड को पोकेमोन ट्रेनर्स बनने में। एंड मैं तुम्हें बता दूं, जब से मैं छोटा था, जब हम लोग ट्रेनर के पहले थे, वो हमेशा रेड को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और उन्होंने जितनी वो मुझे देते थे, एवरीथिंग मैंने उनके लिए किया, ऑल द थिंग्स मैंने अकम्प्लिश करी थी। नो मैटर कि मैंने कितने भी यहाँ पर मैं स्ट्रांग हो जाऊं, ग्रैंडपा हमेशा मुझे छोटा ही समझते हैं रेड के सामने, और उन्हें लगता है कि रेड ही सबसे ज्यादा बेहतर ट्रेनर है पहले टाउन में। ओह शिट यार, काफी ज्यादा यहाँ पर मुझे सैड स्टोरी सुननी पड़ रही है। जैसे कि रेड के पास एक स्पेशल स्नोफ्लेक प्रोडिजी हो और मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने उसे फोन किया था, तुम्हें पता है ना ग्रैंडपा को, जब ये सब हो चुका था मैंने उन्हें बताया कि मैं रेटिकेट को बचा नहीं पाया और मैं कितना दुखी था। और तुम्हें पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? क्या कहा? ओ, ये काफी ज्यादा बुरा हुआ लड़के, क्यों ना तुम एक नए वाला पकड़ लो, एक स्ट्रॉन्गर वाला। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था यार, इसकी इतनी उसकी इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए थी उस रेटिकेट की। वो केयर नहीं करते बिल्कुल भी मेरी, एक थोड़े से सेकंड के लिए भी। बट तुम्हें पता है ना, डू यू वांट टू नो अनदर थिंग, मैं अब इस सब इससे ऊपर उठ चुका हूँ। मैंने काफी ज्यादा कोशिश कर ली है एंड मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि मैं पोकेमोन चैंपियन बनने वाला हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, बिकॉज दैट्स वॉट मैं ये करने वाला हूँ। और जब मैं इंडिगो लीग में सबसे स्ट्रांगेस्ट ट्रेनर इस कैंटो रीजन में स्टैंड अप खड़े रहूंगा, ग्रैंड काबू में फाइनली दिखा दूंगा कि वो गलत थे हर वक्त, एंड उनके नोबडी विल केयर अबाउट रेड और उनके उसके स्टूपिड अकम्प्लिशमेंट्स एनीमोर। तुम्हें पता है तुम सही थे मिस्टर रॉकेट मैन, ग्रैंडपा ने मुझे हर वक्त बताया था कि कितने तुम्हारे पीपल तुम लोगों से कितने कॉशियस रहने के लिए, बट मुझे लगता नहीं है कि तुम इतने ज्यादा बुरे हो, तुम मुझे अच्छे लगे, वाइट एक लिसनिंग टाइप वाले एटलीस्ट। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। ओ डोंट मेंशन इट ब्रो। तुम यहाँ पे क्या जा रहे हो, तुम भी यहाँ पे टॉप पे जा रहे हो, क्यों ना हम लोग टैग अलॉन्ग कर दें। मैं इंश्योर करूंगा कि तुम सबसे पहले क्लाइंब करने के लिए क्लाइंब ऑल द वे, कि क्या कोई घोष तो नहीं है ऊपर की तरफ। ओ थैंक यू सो मच यार, बट अभी के लिए और कोई नहीं है इस दुनिया में जो मुझे डरा सकता है, मैं सब कुछ कर लूंगा। मैं तुम्हें ऊपर की तरफ देखता हूँ मिस्टर रॉकेट। ओके सो बाय ही ब्लू। ब्लू की यार हम लोगों ने थोड़ी सी कह सकते हो कि गाइस यार आप लोगों को अगर याद होगा ना कि कुछ जब हम लोग पोकेमोन रेड में पोकेमोन फायर रेड में यहाँ पर जब आते हैं तब ब्लू जो है वो यहीं पर होता है एंड तब वो रेड के साथ तब बैटल भी करता है, यानी कि हमारे साथ
वो क्यों यहाँ पे होता है गाइजर, यहाँ पर हम लोगों को उसकी स्टोरी लाइन पता चल गई कि उसका रैटिकेट जो है के जो है उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है, एंड दैट इज द रीजन कि वो यहाँ पे इस पोकेमोन टावर में आता है। ओके वेट, क्या हुआ ब्रो? है तुम्हारे पास सुपर शीशिया से ना? सी ग्रैंडपा मुझे हमेशा बताते थे कि इस दुनिया में एक रैशनल एक्सप्लेनेशन है हर एक चीज का, बट ये जगह ये मुझे पता नहीं कि ये मुझे क्या बनाती है और ये मुझे क्या सिखाती है। ये सारे चैनलर्स उनसे वियर्ड एक्ट कर रहे हैं, एंड वेल उनके पास एक प्यूरिफाइड प्रोटेक्टेड जोन भी है ऊपर की तरफ। वो कहते हैं कि ये सील है बाय वाइट मैजिक, एंड जब हम उस पर स्टेप रखेंगे तब हमारी बॉडी एक जस्ट एक कह सकते हैं कि रिलैक्स फील करेंगी, लेटिंग गो की तरह। मुझे पता नहीं भी उसके बिलीव करना चाहूँगा कि नहीं, शायद इस दुनिया में क्लियर कट नहीं है ये दुनिया जैसा ब्रांड पर हमेशा बताते थे। हाँ यार, तुम कह सकते हो कि दुनिया इतनी भी गोल नहीं है, दुनिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहस्यों से भरी पड़ी है, वही हम लोगों को एक्सप्लोर करनी है। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पर अभी हम लोगों को यार ये मुझे बैटल्स तो अवॉइड करने हैं, बट आई कांट अवॉइड देम, बट ओ सो मुझे इसके साथ तो बैटल करना ही पड़ता था ऑब्वियस रीजन। तो इसको जो है हम लोग ने हरा दिया है गाइस। तो ये रहा वो प्यूरिफाइड प्रोटेक्टेड जोन, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपनी हीलिंग भी कर दी है। यस मुझे पता है ये मैंने ऑब्वियस रीजन आपको तो पता ही है, हम लोगों ने ऑलरेडी ये एक्सप्लोर कर लिया था। तो चलते हैं गाइस यहाँ पर ऊपर की तरफ, आई गेस ओ सो हम लोग जो है वो टॉप ऑफ द टावर में बस एक और फ्लोर नीचे हैं। तो हमें मिल चुकी है एक एक्स एक्यूरेसी, दैट्स नाइस। बट यार वो स्टोरी सुनने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इस गेम की यार बात ही कुछ ऐसी है ना कि इस गेम में ज़्यादा से ज़्यादा ना स्टोरी लाइन ही है, ज़्यादा इतना एक्शन भरा पड़ा नहीं है, बट अगर स्टोरी लाइन अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर समझाई गई है। वेल तुम तैयार हो ना? हम लोग अभी जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। मैं कुछ तो मुझे सेंस हो रहा है कुछ ओमनियस जब स्टेयरकेस की तरफ। ओके क्या है वो? मुझे पता नहीं वो क्या है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मुझे अभी किससे भी मैं उसे फेस करूंगा मिस्टर रॉकेट। ब्रो मुझे तुम ध्रुव भी कह सकते हो, बट मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी चाहिए कहीं सर किसी के भी सामने, भले ही वो हमारा हाल फिलहाल का दोस्त क्यों ना रहा हो। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो स्किलस्कोप की मदद से जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो पोस्ट कौन है। ओके क्या है वो? ओ मैरोवेक। हम लोग यार और इसे कैच तो नहीं कर सकते, आपको पता ही है पोस्ट को कैच नहीं किया जा सकता। तो इसको जो है हम लोग डिफीट कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने मैरोवेक को जो है डिफीट कर दिया है। ये क्यूबॉन का रेसलेस स्पिरिट था, क्यूबॉन की माँ का, जो मदर स्पिरिट अपीयर फॉर अ मोमेंट टू बी हैव बीन काम बट देन इट चेंज इट्स माइंड, दोज कास्ट टू नॉट काम मी फॉर थाइन इंटेंशंस आर नॉट प्योर, थाउ हास्ट कम ओनली टू ब्रिंग मोर हार्म अपॉन माई काइंड। पता नहीं यार ये क्या कह रही है। टू प्रॉफिट्स फ्रॉम एगनी एंड डेथ दिस द मोस्ट डिस्पेकेबल ग्रीड, थाउ आर्ट एविल 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 एविल। ये क्या था? तो उसी वीर बात चल रही थी ना वहां पे? हाँ यार मुझे भी समझ में नहीं आई। तुम्हें पता है ना कि वो क्या बात कर रहे थे? या मुझे भी नहीं। हाँ यस मुझे भी नहीं पता चला यार। वेल चलो हम चले ऊपर की तरफ आई गेस। ओके यार बेबी आ रहा हूँ, रुक जा। बट अच्छा यार इतना भी रेड ब्लू बुरा नहीं है जितना हम लोगों ने सोचा था। ओके क्या हुआ? वेल ये इतना एक्साइटिंग नहीं है, बस एक वहाँ पे एक ओल्ड गाय है, कोई रेयर पोकेमोन नहीं और ना ही कोई आइटम्स। क्या तुम यहाँ पे उसको ही उस ओल्ड मैन को ही देखने के लिए आए हो? हाँ यस। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग जो है फूजी के साथ बात कर देते हैं। ओ तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? नहीं वो यूनिफॉर्म, तुम फिल्थी रॉकेट, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हमारे इस पोअर लिटिल टाउन को? मैंने रिफ्यूज कर दिया है इसमें टावर को, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा और मैं तुम्हें भी नहीं होने दूंगा स्कॉन्डल। तो हियर वी गो गाइस यार, थ्रू द गेमा वर्सेस। ओ सो यार इसने पोकेमोन को कैसे, मतलब कि यार पोकेमोन का प्रोटेक्टर लगता है ना ये,
जो घोस्ट पोकेमोन रहते हैं। बट फिलहाल के लिए गाइज़ मुझे इसे हराना होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है इस गेम में हम लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। हम लोग एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, एंड कितने भी हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में ही रहने वाले हैं। सो यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो पिकाचू को भी डिफीट कर देते हैं। तो सर यार मैं कह सकते हो कि पोकेमोन को मैं स्टील कर सका ना यहाँ पर फ्यूजी के, तो मैं इसी ही यहाँ पर कह सकते हो गाइज़ पिकाचू को ही स्टील करूँगा। फॉर ऑब्वियस रीज़न यार, अपनी टीम को फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर पिकाचू आ गया तो हमारे इस टीम में, क्योंकि यार थंडरबोल्ट उसके पास ऑलरेडी है। अगर मुझे कह सकते हो कि अगर आपने अगर आप लोगों ने अगर मुझे बता दिया कि हम लोगों को कह सकते हो कि गाइज़ यार जो लाइट बॉल है पिकाचू के लिए वो कहाँ पर मिलेगा, उससे जो है वो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। कि मैं यहाँ पर कह सकते हो कि गाइज़ यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जो है वो काम कर सकें, तो देखते हैं कैसे। यहाँ पर अगर आप लोग मुझे बता दोगे कि हम लोगों को लाइट बॉल कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे अगर इसका मुझे पिकाचू को चोरी करने का मौका मिलेगा तो हम लोग भी यार कह सकते हो कि लाइट बॉल की मदद से पिकाचू की जो पावर है उसको जो है वो यहाँ पर स्ट्रेटन ऑफ यानी कि उसकी जो है वो स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने फ्यूजी को यहाँ पर हरा दिया है। ओके, सो हम लोग उसका पोकेमोन चोरी कर सकते हैं, एंड फॉर ऑब्वियस रीजन हम लोग तो पिकाचू को ही गाइज़ यहाँ पर चोरी करने वाले हैं। तो जी हाँ, हम लोगों ने पिकाचू को उससे छीन लिया है। पोलीगॉन, तुम्हें कोई भी शर्म नहीं है, नॉट ओनली कि तुम्हारे पास एक नव ऑडोसिटी थी यहाँ पे आने के लिए, बट तुमने मेरे इस नोबल मिशन को भी रोक लिया है टू काम द स्पिरिट ऑफ अ मर्डर पोकेमोन। बट तुम इंसेंट अग्रीव्ड इवन प्रमोट्स हो जिसने मेरे इनोसेंट पोकेमोन को स्नैच किया है फ्रॉम राइट अंडर माय नोज। तुम हो कौन? मुझे डिटेन करने आए हो या मुझे भगाने आए हो? मुझे बताओ, शायद तुम असफल करोगे जिसी तरह तुम लोगों ने क्यूबोन के साथ किया है। इज दैट इट? मेरा ओन स्कल हैंग हो रहा चाहिए राजीवानी के ऑफिस में कि एक ट्रॉफी की तरह। मुझे ये सरप्राइज नहीं करेगा। दैट रेडी एक मॉरल रोको। वो पास नहीं रहना चाहता है, तुम्हें पता है तुम्हारा बॉस वो फेल हो चुका था, उसने ब्लैंस को हरा नहीं पाया जब एंटायर काइंटो आर्मी उसके साइड पर थी, एंड नाउ वो सोचता है कि वो अब ये करने वाला है एक छोटी सी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन एक माफिया बनकर। वो मैड है, लोनी है, बट तुम्हें पता है मैं जियोवानी को उसके डिल्यूजनल क्राइम होने देना चाहता हूँ 10 times over अगर वो बस मेरे काम के बीच में आना बंद कर देगा तो, और मेरे इनोसेंट अफेयर्स इस टाउन के लिए वो मुझसे दूर रहेगा तो मैं उससे कुछ भी नहीं चाहूंगा। मैंने अपना काम पिछले साल ही न्यूट प्रोजेक्ट पीछे ही छोड़ दिया था 11 साल पहले। तुम मुझे सुन रहे हो? मेरे पास मैं एक अब डिफरेंट आदमी हूँ और वो एक डिफरेंट टाइम था, और तुम देख सकते हो यंग मैन, और वो चीजों को देखते हुए तुम अपने बॉस के लिए सर्विस को अगर छोड़ दोगे विदाउट अ सेकेंड थॉट। हाँ ओके, मैं स्वेयर करता हूँ मैं उस लैब में शांकट गया था उसके पहले ही वो चीज द कैटास्ट्रोफी जब मैंने उसके देखा था अबोमिनेशन जब उसने क्रिएट किया था अपने हाथों से, मैंने सोचा था कि वो रूट होगा ईविल के लिए। मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, वो देख रहा था एक कुछ एक अच्छी चीज की नहीं तरह दिख रहा था वो। या हमारे पास उसकी पिक्चर भी है ओल्ड मैन। ओके, ये कौन आ गया? ओह आर्चर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा फिर से फ्यूजी, तुम कैसे हो? गुड जॉब, तुमने इस इनकैपेसिटेटिंग गाय को हरा दिया ध्रुव। मुझे डर लग रहा है बट ये
मुझे डर लग रहा था, बट मैं यहाँ से अभी चार्ज ले सकता हूँ, तुम अगर माया बुरा ना मानो तो। ये अच्छा था लिटिल रैंट, तुम यहाँ पे आ गए थे फूजी, बट तुमने मेरी से सुना, हैवंट वी? आई सपोज तुमने ध्रुव को यही बता दिया होगा कि तुम कितने रश हो चुके थे अपने एलिगेंस को प्लेच करने के लिए, टू लैंस, टू अपनी स्किन को बचाने के लिए, द मोमेंट ओक ने जब सरेंडर के लिए कह दिया था। तुम ये सब कॉन्फिडेंशियल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उसको रिटर्न में दे दी थी, हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, एंड उसने तुम्हारी स्पॉन्सर रिटायरमेंट फंड को, अपनी रिटायरमेंट फंड को स्पॉन्सर किया था, एंड एक सेफ लिटिल टावर में तुम्हें जगा दी थी। हाँ, तुम एक छोटे इनोसेंट ओल्ड मैन की तरह एक्ट कर रहे हो, बट वो तुम हो नहीं, और तुम सबको पागल बना सकते हो फूजी, बट हमें नहीं। बिसाइड्स ओक, तुम सबसे बड़े कावर्ड ट्रेटर हो इस रीजन के लिए हैज एवर सीन। बट तुम इंसान हो ड्रॉकेट, तुम यहाँ पे लड़ाई क्यों कर रहे हो, किसके लिए? लैंस के लिए, कैंटो जोटो के लिए? मैंने देखा है ये इन्वेंटेबल है, मैंने मेरे लिए रियलिस्टिक हो रहा हूँ, बट तुम की तरफ देखो रॉकेट, इनोसेंट ट्रेनर्स के पोकेमोन चुराना और स्लॉटरिंग करना, क्यूबॉन को और उसके स्कल्स को बेचना हम मार्केट में, इस दुनिया में तुम क्या कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहे हो? टीम रॉकेट अच्छी नहीं है, तुम्हें बता दूं तो फूजी, बट तुम ये कंसीडर कर सकते हो, लैंस की एक नई जो एंटी क्राइम प्रोग्राम है ना, तुमने वो सुनी होगी, उसकी प्रॉमिसेस है कि वो हमें जस्टिस पर लेकर आएगा। हाँ, वेल कितने रिसोर्सेस हैं उसके पास कि वो हमें रोक सकता है क्यूबॉन के सप्लाई के लिए? हाँ, अब वो कहाँ पर है तुम्हारी एप्स को बचाने के लिए फ्रॉम अस ईविल बैंडिट्स? और तुम्हें क्या लगता है कि वो इंटेंड कर रहा है इस प्रेशियस टावर को बचाने के लिए ऑफ तुम्हारे लिए, और तुम बस एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज हो उसके लिए, टू सेट अप शॉप हियर इन इट्स प्लेस? कैंटो के ओनर को तुम डिफेंड कर रहे हो, बट अभी उसका कोई फायदा नहीं है, बट तुम तो एक श्योर कुछ भी मिलने नहीं वाला है, सिक्योरिटी बाय सकिंग अप टू लैंड्स, अगर तुम सोचते हो तो। लाइट्स, ये सब झूठ है। हाँ, मुझे ये सब चीज हो चुका है, स्पेशल ऑर्डर आ चुके हैं बॉस की तरफ से ध्रुव, मैं यहाँ से चार्ज लेने वाला हूँ टू डिटेनिंग फूजी फ्रॉम हियर फॉर द टाइम बीइंग। मेरे पास काफी एनफोर्समेंट है ग्रंट्स की, जब यहाँ पे किसी मोमेंट में आ चुकी दिख सकती है, सो मैं अभी ए ओके रहूंगा। सो तुम यहाँ पे हेडक्वार्टर की तरफ जा सकते हो, इन अदर वर्ड्स अच्छा काम किया तुमने बच्चे। ओके सो गाइस, यार हम लोग फाइनली जो है वो जा सकते हैं। ओके सो ब्लू भी हमारे साथ ही आ रहा है, दैट्स नाइस। वाओ मिस्टर रॉकेट, मैंने सोचा नहीं था कि ये सब ऊपर की तरफ ऐसे सब होगा। तुम रॉकेट्स, तुम बुरे हो, लेकिन तुम्हारी फाइटिंग, तुम कुछ किसी के लिए तो लड़ रहे हो, aren't you? तुम इतने सब की सब इविल तो नहीं हो। आई नो कि वो और एक गाय था, एक किसी जो कह रहा था ग्रैंडपा को एक ट्रेटर, मैं तुम्हें बता दूं तो, मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में शायद तो सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं चैंपियन बन जाऊंगा तब मैं एक फेयर एंड ऑनरेबल रहूंगा, तुम मुझ पर काउंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए रुकने वाला हूँ, मेरे रेटिकेट के लिए कुछ समय के लिए। ओके तुम्हारी मर्जी,
शुक्रिया कि तुमने मेरे साथ टैग किया था मिस्टर रॉकेट। आई होप कि मैं तुमसे फिर दोबारा मिल पाऊँ। ओके भाई ले भाई ब्लू, सो चलो गाइजर यहाँ पर अभी एक बड़े एपिसोड को डन कर हम लोगों ने गाइजर यहाँ पर इस एपिसोड को भी यही पर समाप्त कर देते हैं। आई जस्ट होप कि ये बड़ा एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज गाइजर लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज, और मुझे यार फॉलो कीजिएगा। मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो या आज इस वाली वीडियो इतना ही रखता हूँ मैं मिलता आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पोकेमॉन रॉकेट एडिशन जल्द ही। तब तक के लिए गाइज यार गुड बाय। Thank you.